उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज दुनिया भारत को लेकर जो कुछ कह रही है, ये सारे गौरवपूर्ण काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है, गरीबी और मुश्किलों में फलती फूलती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े, हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़े। गरीब को तरसाकर कांग्रेस को ये जताने का अवसर मिल जाता था कि उन्होंने गरीब को कुछ दिया है। ये अपनी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों को देते थे जिनसे उन्हें वोट मिलते थे। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर देश को गरीब रखा, देश के लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, रोटी कपड़ा मकान में ही उलझाए रखा। मेरे युवा साथियों, जो मुश्किलें, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मुश्किलें आपके माता पिता से पहले की पीढ़ियों ने झेली, वो अब आपको और आपके बच्चों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। भाजपा ने गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, एससी, एसटी, ओबीसी को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। वंचितों को वरीयता की जो गारंटी मोदी ने दी है, उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है। हमने गरीब का जीवन बेहतर करने के लिए प्रयास किए, प्रामाणिक प्रयास किए। समाज में जो अभाव था उसको दूर किया, और जानते हैं इसका नतीजा क्या मिला है? मैं आपसे एक बात पूछूं, आप जवाब देंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे, वहां के दूर दूर के लोग भी देंगे। आप
आपको पता है ना कि कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं फिर आपसे पूछूंगा, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? कांग्रेस ने वादा पूरा किया? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना? 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 जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरी बहनें और बेटियां आई हुई हैं। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशकों दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है,
तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए गमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए, ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तब क्या शुरू किया, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं, मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है, मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है। और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए, वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है, तब क्यों नहीं कानून बनाया। जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया। सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। इसलिए मौका मिलते ही मेरी माताएं बहनें, मेरे शब्द याद रखना, मौका मिलते ही एक गमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के गमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। इनकी वो सोच आज भी नहीं बदली है। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया का खेल खेलेंगे, ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा।
माताएं बहने एकजुट रहोगे ना, एकजुट रहोगे ना, आप याद रखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया।